भक्ति भये अरहंताधिनो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सातवां अध्याय चल रहा है, व्यवहारावासी का प्रकरण है। व्यवहारावासी के प्रकरण में जो धर्म बुद्धि से जैन धर्म को धारण करते हैं उनकी चर्चा चल रही है। ऐसे जीव भी देव सास गुरु के बारे में क्या गलती करते हैं, तो सात तत्व के बारे में क्या गलती करते हैं, ये बात चल रही है। क्योंकि सम्यक दर्शन की परिभाषा में देव सास गुरु और सात तत्वों की श्रद्धा मुख्य रूप से आती है। उसमें जीव अजीव तत्व के संबंध में क्या गलती करते हैं, ये बात कल हुई थी कि या तो वो भेद विज्ञान और वितरागता का कारणभूत जो तत्वों का निरूपण है अध्यात्म शास्त्रों में उसे नहीं जानते हैं, और गुणस्थान मारणा आदि जो निरूपण है उससे ही संतुष्ट हैं। प्रसंग वैसे भी जानना भी हो जाता है तो जैसे औरों की बात हो ऐसे ही जान लेते हैं, उसमें ये जीव तत्व मैं हूँ ऐसा नहीं जानते हैं। इस तरह से जो पांच पॉइंट से जीव अजीव तत्व की भूल के बारे में बताया था, अंतिम पॉइंट ये था कि परस्पर में निमित्त अनैमित्तिक संबंध बहुत हैं और उन दोनों को पृथक पृथक नहीं जानते हैं, और जो भी कार्य होता है वह दोनों का मिला हुआ मानते हैं। ऐसा नहीं समझते हैं कि ये ज्ञानादि हैं वे आत्मा के कार्य हैं और शरीर इंद्रियां इन निमित्त हैं, और जो भाषा है वो शरीर का कार्य है और आत्मा का भाव इसमें निमित्त है। इस बात को वो नहीं पहचानते हैं। इस तरह दो द्रव्यों के बीच में भिन्नता नहीं जानते, जीव और अजीव के बीच में ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। जब अघीत मिथ्यात्व की चर्चा हुई थी तो कहा था देह में एकत्व बुद्धि जो अनादि से है वो भूल है, और अब ये बता रहे हैं कि जैन शास्त्रों को पढ़कर तृष्ण स्थावर आदि भेद उसमें लिखे ना, तृष्ण जीव, स्थावर जीव, हाथी जीव, घोड़ा जीव, इसलिए वे दोनों के मिक्सचर को जीव मानने लग गए। शास्त्र से पढ़ करके ये अज्ञान निकाला, इसलिए ये गृहित है। अब आश्रव तत्व के बारे में बात करते हैं, पेज नंबर 226। आज अपनी कोशिश ये होगी कि सातों तत्वों संबंधी भूल, सम्यक ज्ञान संबंधी भूल और सम्यक चार्य संबंधी भूल पूरी करके व्यवहाराभासी प्रकरण को अपन समाप्त कर दें, जिससे कल अपन सुबह उभयाभासी के प्रकरण की चर्चा कर सकें। आश्रव तत्व के संबंध में सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जो पापाश्रव हैं हिंसादि रूप उनको तो हे जानता है, लेकिन जो अहिंसादि रूप पुण्याश्रव हैं उन्हें उपादेय मानता है, उन्हें वो मुक्ति का कारण मानता है। लेकिन पंडित जी ने ये तर्क दे के ये बात सिद्ध की है कि जीवों के जीवन मरण और सुख दुख तो अपने अपने पुण्य पाप के उदय के अनुसार होते हैं, और मारने में हिंसा में मारने की बुद्धि होती है और अहिंसा में बचाने की बुद्धि होती है। तो ये मारने का भाव हो दूसरों को और चाहे दूसरों को बचाने का भाव हो, दोनों ही वस्तु के स्वरूप से विरुद्ध होने से एक समान ही हैं। लेकिन ये मारने के भाव को तो बुरा समझता है और बचाने के भाव को अच्छा समझता है। इसमें तो यहाँ पर इतना साफ लिखा है कि इस प्रकार अहिंसा वत सत्यादिक को भी पुण्य बंध के कारण है और हिंसा वत असत्यादिक भी पाप बंध के कारण है। ये सर्व मिथ्याध्यवसाय हैं, वेत्याज हैं, इसलिए हिंसादिवत अहिंसादिक को भी बंध का कारण जानकर हे ही मानना चाहिए था, लेकिन अज्ञानी व्यवहारादृष्टि नहीं मानता है। क्यों कि हिंसा में मारने की बुद्धि हो परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना वह मरता नहीं है, यह अपनी देश परिणति से आप ही पाप बांधता है, और अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो
परंतु उसकी आयु अवशेष हुए बिना वह जीता नहीं है। यह अपनी प्रशस्त राग प्रणति से आप ही पुण्य बांधता है। इस प्रकार दोनों हैं, ये नहीं मानता। और उपादेय क्या है फिर कि जहां वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्ते वहां निर्बंध है, सो उपादेय है कि दूसरे को मारे के बचाएं। तो ये समझता ही नहीं है कि तीसरी अवस्था भी हो सकती है कि हम दूसरे के बारे में कुछ सोचे ही नहीं, मारने बचाने का विकल्प ही नहीं करें, क्योंकि उसका जीवन मरण तो उसके अधीन है, हमारे अधीन ही नहीं है। लेकिन ये तो इन दो ही विकल्पों को समझता है कि साहब हमारे सामने यदि कोई बिल्ली चूहे के पीछे दौड़े उसे मारने के लिए, तो हम उसे मर जाने दें कि बचा लें। तो यार अब बचानी चाहिए, सबको ऐसे ही लगता है ना, अब वही धर्म लगता है। लेकिन वास्तव में उसकी आयु के अवशेष बिना हम बचा ही नहीं सकते। और आयु अब पूरी हो गई हो तो आयु बाकी हो तो कोई मार नहीं सकता है, इस सिद्धांत की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। और भी जरा प्रैक्टिकल हम विचार करें दुनियादारी की दृष्टि से, तो अकेली चूहा बिल्ली की ही बात नहीं है, लाखों जीवों का भोजन जीव ही है। जीवो जीव से भोजन हो रहा है ना, और लाखों देखिए छिपकली है, कीड़ों मकोड़ों को खा रही है, ये उसको खा रही है। अब एक जंगल में मुनिराज आत्मा का ध्यान करने के लिए गए हैं, तो जंगल में तो यही होता है ना, यदि वो एक एक को बचाने के लिए एक एक के पीछे दौड़ने लग जाएं, तो कितने को बचा सकेंगे बोलो, और वो अपने आत्मा में कब जाएंगे। और जब हम कुत्ते के को बिल्ली को मारने से रोकने को जाएंगे तो कुत्ता हम पे आक्रमण करेगा, है ना, वैसे थोड़ी छोड़ देगा। आखिरकार तो हमको सब पैसे उपयोग हटा के अपने आत्मा में ही ले जाना पड़ेगा। माने वो एकदम कहने में अच्छा लगता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल भी संभव नहीं है। यदि ये होता संभव तो जो इतने चक्रवर्ती राजा वगैरह हो गए, इतने शक्तिशाली, तो उनके राज में तो कोई किसी को खा ही नहीं पाता, मार ही नहीं पाता, जैनी राजा हो गए। क्यों तुम उनको तो जाने दो, एक आदमी दूसरे आदमी को सता रहा है, कि गांव में ये हरिजनों के साथ तकलीफ हो रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, और सारी गवर्नमेंटें चाहती हैं कि हम उसको रोकें, इसलिए भी चाहती हैं कि भाई ये खोटे काम है। और ये भी जानते हैं कि यदि हमने इस हिंसा को नहीं रोक पाया तो हमारी मिनिस्ट्री चली जाएगी, दो चार लोगों की हिंसा हो गई और नहीं रोक पाए तो मिनिस्ट्री पे चली जाती है कि नहीं चली जाती, इसलिए वो पूरी ताकत लगाते होंगे कि नहीं, और सारी पुलिस सेना सब उनके पास में है, फिर भी वो उसे नहीं बचा पाते हैं। तेरी क्या शक्ति है कि जो तुम किसी को मार पाएगा कि बचा पाएगा, बोलो। इतना महासत्य अपने हाथ के रखे हुए आंवले के समान है, लेकिन इन लोगों की समझ में नहीं आता, कैसी बात करते हैं बचाना नहीं, कैसी बात करते हैं बचाना नहीं। बचाना तो बहुत बड़ा धर्म है, हर एक का कर्तव्य है, ड्यूटी है। तो इस तरह वो आश्रत तत्व के बारे में उनकी समझ गलत रहती है। और बाद में अगर आश्रत के 57 भेद हैं तो उनके बारे में भी वो इसी प्रकार की गलतियां करता है। कैसे मिथ्यात्व है, तो गृहित मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व समझता है, और अनादिकालीन जो अगृहित मिथ्यात्व है उसे पहचानता ही नहीं, उसके लिए तो जान की बाजी लगा देता है ना, कि जब तक मेरे धड़ पर गर्दन है तब तक तो मैं कुकुर कुदेव के सामने नहीं झुकूंगा। ऐसी हेकड़ी हांकने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको, और बड़ी से बड़ी तकलीफ में भी पड़ जाते हैं। लेकिन देह में एकत्व बुद्धि रूपी जो अगृहित मिथ्यात्व है, जो अनंत काल का है, उसके बारे में उनको कोई विकल्प ही नहीं। तो कदाचित उन्होंने वो मिथ्यात्व वो कीमत चुका भी दी, क्यों तो भी मिथ्यात्व से तो बचे नहीं। ऐसे ही दूसरा क्या है मिथ्यात्व के बाद, हिंसा। तो कहते हिंसा में स्थावर जीवों की हिंसा का बचाव तो बहुत करता है, एक चींटी भी मर जाए तो बहुत तकलीफ होती है उसे, और होनी चाहिए, ये नहीं कहता हूं नहीं,
लेकिन हिंसा में जो प्रमाद परिणति मूल है और पांच इंद्रियों के विषय के सेवन में जो अभिलाषा मूल है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है, इसी तरह वो अवृत्ति को भी नहीं पहचानता है। कसाय है तो बाही में यदि गुस्सा आ जाए और गालियां बकने लग जाए तो उसे बुरा मानता है, लेकिन अभिप्राय में जो दूसरे को भला बुरा करने का भाव है वो भी क्रोध है ना अनंतानबंदी, तो उसको ये समझता ही नहीं है, मेरे तो बहुत शांत स्वभाव है। और जब हमको एक दिन गुस्सा आ जाए और गालियां हम बकने लग जाए तो हमें खेद भी होता है, बाद में उसके लिए माफी भी मांगते हैं, प्रायश्चित भी लेते हैं, लेकिन अभिप्राय में जो अनंत क्रोध पड़ा है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ऐसे ही बाह्य चेष्टा को रोक रखा तो समझते मैंने योग को बस में कर लिया, शरीर नहीं हिले तो, लेकिन आत्मा के प्रदेशों में जो परस्पंद होता है शक्तिभूत योग, उसको वो जानता नहीं है, इसलिए आश्रव तत्व के बारे में भी उसकी गलत बुद्धि रहती है। बंध तत्व के बारे में भी ऐसा ही है, शुभ भाव को से जो पुण्य बंध होता है उसे तो अच्छा मानता है और अशुभ भाव से जो पाप बंध होता है उसे बुरा मानता है, लेकिन दोनों ही बंध हैं और संसार के कारण हैं ऐसा नहीं जानता है। पंडित जी ने बहुत अच्छा तर्क दिया है कि पुण्य बंधेगा तो स्वर्गाधिक मिलेंगे, तो ये स्वर्गाधिक अगले भव की भोग सामग्री है और नरकाधिक नहीं जाऊं, पाप करूंगा तो नरकाधिक जाऊंगा उसे डरता है, तो अगले भव के संयोगों से भय और अगले भव की भोग सामग्री का लोभ, तो इस भय इस भव की भोग सामग्री का लोभ तो पाप है क्या, और अगले भव की लोभ सामग्री की का लोभ धर्म कैसे हो जाएगा, लेकिन वो उसे अच्छा मानता है। पुण्य की जो चाह है वो आगामी भोगों की ही चाह है प्रकारांतर से, वो इस बात को नहीं जानता है। और संवर तत्व में भी वही संतावन भेद संवर के भी हैं, वो आश्रम के जो भेद है ना पुण्य उसको ही संवर मान लेता है, और वितराग भाव रूप जो संवर है वो जानता ही नहीं है। उसके जो 57 भेद हैं जिसमें गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसरय जैव चारित्र, ये 6 मुख्य हैं, फिर 3 गुप्ती 5 समिति 10 धर्म 12 अनुप्रेक्षा 22 परिसरय जय, ये मिलाकर के 57 वगैरह हो जाएंगे काल में है ना, तो इनके बारे में भी उसका गलत अभिप्राय रहता है। अब एक एक के बारे में छोटी छोटी बात है कि मन की में से कुछ चिंतमन नहीं करे तो समझता मेरा मन बस में हो गया, और वाणी से नहीं बोले तो समझता है मेरी वचन बस में हो गया, और काय की चेष्टा को रोकने की कोशिश करता है तो समझता मेरे वचन काय गुप्ति हो गई, लेकिन ये वचन वाणी का नहीं बोलना ये नहीं बोलना, अंदर में जो वीतराग भाव जो जो पड़ा हुआ है जो राग भाव उसका उसे ख्याल नहीं है, देखा ना, तो काय गुप्ति के लिए चेष्ट बाहरी चेष्टा रोकता है शरीर को इकट्ठा और वचन नहीं बोलता है। देखो मन बाह्य मन वचन काय की चेष्टा मिटाए तो ये तो हो गया क्या काय का पाप, तीनों का हुआ ना मन वचन का, पाप का चिंतमन ना करे मौन धारण करे, पाप का चिंतमन ना करे ये हो गया मन की बात, मौन धारण करे ये हो गया वचन की बात, और गमनादि ना करे ये हो गया काय की बात, इसको गुप्ति मानता है। तो यहां तो मन में भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग के नाना विकल्प होते हैं, इनको वो नहीं समझता मेरी गुप्ति भंग हो गई, खोटे भाव नहीं आए तो समझता मेरी गुप्ति भंग हो गई, मैं गुप्ति पाल ली है, वचन काय की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है, तो वहां तो शुभ प्रवृत्ति हुई है और प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं है, इसलिए वीतराग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा ना हो वही सच्ची गुप्ती है, वो इसे जानता नहीं है। ऐसे ही समिति, इन सब के बारे में धर्म के बंधादिक के भय से स्वर्ग मोक्ष के लोभ से यदि क्रोध आदि नहीं करे तो समझता है मैं उत्तम समागाधारी होगा, लेकिन अभिप्राय में जो अनंत क्रोध बस रहा है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। ऐसे अनुप्रेक्षा में
अनित्यादि के चिंतमन से शरीरादिक से देश हो जाना, उसको बारह भावना समझता है। जो वीतराग भाव रूप बारह भावना है, जिसमें पर में राग देश नहीं होता है, ऐसी बारह भावनाओं को वो नहीं जानता है। ऐसी परिश्रह जय और चारित्र, चारित्र के बारे में लिखा है ना कि वो महाव्रतादिक को चारित्र समझता है, जबकि ये महाव्रतादिक तो वास्तव में आश्रव तत्व में है। इसमें खुद ही लिखा है कि परंतु तत्वा सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अनुव्रत को आश्रव रूप कहा है। और ये भेद काय के हैं, ये संवर के चल रहे हैं। सो उपादे कैसे हूं तथा आश्रव तो बंध का साधक है, वो मोक्ष का साधक कैसे हो, इसलिए महाव्रतादि रूप आश्रव भावों को चारित्रपना संभव नहीं होता। तो चारित्र क्या है? सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव है उसी का नाम चारित्र है। इसे तो समझते ही नहीं है। महाव्रतादि अनुव्रत महाव्रतादि को पाल करके और अपने को बहुत चारित्रवंत मानता है ना। यदि ऐसा है तो चारित्र के 13 भेदों में महाव्रतादि कैसे कहे, पिछले ना पेज नंबर 230 पे, कि यह व्यवहार चारित्र कहा है और व्यवहार नाम उपचार का है। सो महाव्रतादि होने पर ही वीतरागी चारित्र होता है, इसलिए ऐसा संबंध जानकर महाव्रतादि को चारित्र का उपचार किया है। निश्चय से निकषाय भाव है वही सच्चा चारित्र है। तो इस तरह संवर तत्व में जो 57 भेद हैं उनके बारे में उन्होंने संक्षेप में चर्चा की। अब वास्तव में ये प्रकरण तो ऐसा है कि एक एक प्रकरण पर एक एक किताब लिखी जाए, है ना। बहुत से भाई मेरे से कहते हैं कि मोक्ष महा प्रकाशक को पूरा कर दो। अभी एक चिट्ठी आई है नागपुर से, और जिसमें 10-20-50 आदमियों के हस्ताक्षर हैं कि आप जरूर पूरा करो, ऐसा करो ऐसा करो। टोडरमल जी के दिमाग में तो क्या था, ये तो टोडरमल जी जाने का सर्वज्ञ जाने, अपन ने भी कल्पना तो की है, लेकिन मेरी दृष्टि में ये कितने महान विषय हैं कि ये जो 57 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, जो आपने समवर तत्व की बात सुनी ना, 10 धर्म, 12 भावना, 3 गुप्ती, 5 समिति, तो इन पर एक एक पर एक एक किताब लिखी जा सकती है। और ये बात मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूं, कहता तो लोग मानते कि भाई ऐसी कब ठोकते हो। अब 10 धर्म पे अपन ने एक किताब लिखी ही है ना, और 12 भावना पे भी एक किताब लिखी है, दोनों किताबें आपने देखी है। यानी एक एक में कितनी गुंजाइश है आप ये समझ लीजिए। टोटल मिलती लिखते तो 5,000 पेज का होता, और मैं समझता हूं मैं लिखूं तो 20,000 पेज हो जाए, लेकिन वो टोटमल जी की बात थोड़ी मैं लिख सकता हूं। मैं अभी भी आपसे कहता हूं कि मान लो कि अपन ने 200-250 पेज में धर्म के 10 लक्षण लिखी, 200 पेज, तो भी मैं ये गारंटी नहीं ले सकता हूं कि टोटमल जी यदि लिखते वैसा ही मैंने लिख दिया है। वो टोटमल जी लिखते तो बिल्कुल नया प्रमेय होता। तो मेरी समझ में एक बात बिल्कुल नहीं आती है, गले उतरती ही नहीं है, कि कोई किसी का काम क्यों करे, कोई किसी का काम कैसे कर सकता है, वो अपना ही करे ना। और अपना ही करने के लिए बहुत विषय पड़ा है जो हमारी समझ में स्पष्ट है, हम वो ही लिखे ना, दूसरे क्या लिखना चाहते थे उसे हम पूरा कर दें, कैसे संभव है। अब आप कह सकते हो जयसेनाचारी, जिनसेनाचारी का गुणभद्राचारी ने पूरा किया महापुराण, तो मैं कहता हूं आपसे कि वो तो कथानक है, तो कथानक तो लोक प्रसिद्ध होता है और शास्त्रों में है, तो उस कथानक के आधार पर तो बात को पूरी की भी जा सकती है। लेकिन जहां कोई कथानक तो है नहीं,
इसलिए कोई आधार तो है नहीं ज्यादा, इसलिए ये करना बहुत कठिन काम है। दूसरी बात यह है कि वो भी उस स्तर का कहां हुआ। आदि पुराण में जितना लंबा चौड़ा है, उत्तर पुराण में 23 तीर्थंकरों का, आदिनाथ भगवान का अकेला 23 तीर्थंकरों का भी उससे आधा है। तो उन्होंने तो खाना पूर्ति पूरी कर दी, वास्तव में वो उसका उनका काम कहां पूरा हुआ। गुणभद्रा का चारी का काम तो आत्मानुशासन है, तो कितना बढ़िया लिखा। दूसरे का काम का पूरा करने जाए तो अपना काम भी ना होवे और दूसरे का भी पूरा ही नहीं होगा। और राजा वो कहते हैं ना, बकरी अपने जी से जाए और राजा जी को रोनी रहे। फिर भी जगत तो यही कहेगा, लिखने की कोशिश तो की है लेकिन वो बात तो नहीं आई। और पंडित कैला वो क्या नाम शीतल प्रसाद जी ब्रह्मचारी ने कोशिश की ना, मालूम नहीं आपको, उनने मोक्ष मात्र कहा पूरा कर दिया है, बाकी के हिस्से को उन्होंने लिखने की कोशिश की है, लिखा है छपा है, लेकिन उसमें कहाँ है, कौन पढ़ता है उसे, कोई जानता भी नहीं है। अब आपने आज तक नाम ही नहीं सुना होगा कि किसी ने इसको पूरा किया है और वो कोई छपा है। ये आज मैं पहली दफे आपको बता रहा हूँ, और मैंने भी उस किताब को बहुत दूर से ऐसी देखी थी और पूरी पढ़ी नहीं है क्योंकि मेरे पास वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहीं देखी थी ये ठेब है किताब पूरी उन्होंने की, तो पूरा होने की बात संभव नहीं। यानी इसमें इतनी विषय वस्तु है कि अभी हमें आध घंटे 15 मिनट के व्याख्यान में इसको कैसे बताएं एक एक के बारे में, बल्कि जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में जितना स्पष्ट होना चाहिए वो भी स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। सीधी सच्ची बात ये है कि वे सात तत्वों के बारे में जैसा गहरा चिंतन अध्ययन होना चाहिए वो उनके नहीं होता है, और वे बाह्य प्रवृत्ति में ही इन तत्वों को मान लेते हैं और उसका जो अंतरंग अभिप्राय है वो उस तक नहीं पहुंचते। पंडित जी ने इसमें भी लिखा है, देखिए निर्जरा तत्व की बात है ना, उसमें उन्होंने लिखा है इसका विस्तृत वर्णन हम आगे करेंगे, ऐसा लिखा है लेकिन नहीं कर पाए। देखो ये लिखा है पेज नंबर 232 में सबसे नीचे की तीन पंक्तियां, इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, अंतरंग कसाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है, सो इसके प्रकट स्वरूप का आगे निरूपण करेंगे वहां से जानना। ये निर्जरा तत्व पर इतना लिखने के बाद उन्हें अंत में हथियार डालने पड़े। बात कैसी थी कि तपसा निर्जरा, तपस से निर्जरा होती है, शास्त्र में ऐसा सूत्र है, और अनशन आदि तप है, सो बस मन माने जैसे भी हो, अब भूखे रह करके और समझते हैं कि हमने निर्जरा कर। सबसे पहले फंडामेंटल भूल तो ये है कि संबर होने के पहले निद्रा होती नहीं, और संबर दर्शन हुए बिना संबर होता नहीं। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि जब पहले गुणस्थान में से निकल के चौथे गुणस्थान में आता है तो 41 प्रकृतियों का संबर होता है, उसके बिना निद्रा होती नहीं। और तप किसको निद्रा का कारण मानकर और उपवास माने तप, उपवास में तब और लोग 10-10 दिन के उपवास ठोक देते हैं। अब वो और उसे अपने समझते हैं कि हमने निद्रा की और वो तपस्या की लोगों ने, और तपस्वियों का सम्मान होगा क्षमा वाणी के दिन, और मुख्यमंत्री आएगा और उनका सम्मान करेगा तपस्वियों का, तो क्या करें, कि कोई सुनने को तैयार है, उन्हें पूछो उन्हें सम्मान है क्या नहीं, तो सब ही बड़ी सरलता से कह देंगे भैया सम्मेलन हम क्या जाने क्या वो तो कहती है। अब फिर वो अनशन भी, तो अनशन में भी अकेली रोटी त्याग दी और बस उसी का नाम उन्होंने अनशन मान लिया। टोडरमल जी ने थोड़ी सी चर्चा की तपों की निद्रा के तत्व के संदर्भ में, तो ये एक कोट किया, देखो पेज नंबर 231 पे, कसाय विषय आहारो त्यागो यत्र विधीयते विज्ञेयम् उपवासा स विज्ञेया शेषम लंघन कम विदु। कसाय
और पांच इंद्रियों के विषय और आहार, इन तीनों का त्याग जहां होता है उसे उपवास कहते हैं, और जहां अकेला भोजन छोड़ा जाता है उसे तो लंघन कहते हैं। और कषाय और विषय का अर्थ क्या है? वो चार प्रकार की इच्छाएं पड़ी थी ना, तो विषय माने वो जो चार प्रकार की इच्छाओं में अपन ने पढ़ा था कि इंद्रियों के माध्यम से पर को जो जानने का भाव होता है ना, वो भी विषय है, उसका भी त्याग, ख्याल में है ना। और कषाय का त्याग तो ये तो होता नहीं है, अकेले भोजन के त्याग को आप तपश्चर्या मान के करते हैं। और आश्चर्य तो ये है कि वे अपने में फूले नहीं समाते हैं, समाज उन्हें महान मानता है, और बाकी जिसने नहीं कर पाए हो उपवास तो उसे इतना तुच्छ गिनते हैं कि पूछो ही मत। ये माताएं बहने ना महिलाएं इधर व्रत उपवास कुछ ज्यादा ही करती हैं, दस दस दिन के नहीं तो एक दो दिन के तो कर ही लेती हैं, और पुरुषों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वे बहुत कम करते हैं, तो एक आसन नहीं करें, एक ही टाइम खाएं बस दस दिन, लेकिन उपवास नहीं करते हैं, और कदाचित दो टाइम भी खाएं, ऐसा भी होता है नहीं। खैर वो जो कुछ होता है उसकी बात जाने दो, लेकिन उन माताओं बहनों को देखो कि वे अपने को कितनी धर्मात्मा अनुभव करती हैं, और उनको महाभ्रष्ट ऐसा अनुभव करते हैं, उनके अंदर की वृत्ति को तुम देखो, वो कभी कभी भाषा में फूट पड़ती है, क्रिया में कभी कभी फूट पड़ती है, कि महा तुच्छ उन लोगों को समझती है, महाविषयांध महाभ्रष्ट, और अपने को बहुत धर्मात्मा समझती है, नहीं जबकि धर्म का अंश भी नहीं है, बल्कि शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन है, क्योंकि शास्त्र में कर्म है ना, पहले सम्यक दर्शन होता है, फिर सम्यक ज्ञान होता है, फिर सम्यक चरित्र होता है, फिर बाद में तप का नंबर आता है। संयम और तप में अंतर जानते हो? मुनि अवस्था में जिसे अनिवार्य रूप से पालना हो उसका नाम संयम, और जो ऑप्शनल हो उसका नाम तप। तो मुनि के लिए भी जो ऑप्शनल है उसका नाम तप है। अरे यहां पर सम्मत दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, चरित्र नहीं, कुछ नहीं, और बस अकेला तप, वो भी क्या बारह तप में से नौ तप के, तो बारह तप के नाम भी नहीं जानते, उपवास शब्द का अर्थ ही नहीं जानते, बस अकेले भोजन को छोड़ दिया, और उसको तो कहते हैं लिखा श्रृंगार आदि करके बैठ गए, जिसका सबसे त्याग होना चाहिए, और वो अपने को उपवास मानते हैं। तो इस तरह से यहां ऐसा लिखा ना, पेज नंबर 230 पर नीचे देखो, आहार आदि रूप अशुभ की इच्छा तो दूर होने पर तप ही होता है, परंतु उपवासादिक व प्राश्चितादिक शुभ कार्य हैं तो इनकी इच्छा तो रहती है, समाधान ज्ञानी जनों को उपवासादिक की इच्छा नहीं है। कितना लगा साहब देखो, ज्ञानी जनों को उपवासादिक की इच्छा नहीं होती, एक शुद्धोपयोग की ही इच्छा है, उपवासादि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है इसलिए उपवासादि करते हैं। यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने तो वहां आहार आदि ग्रहण करते हैं। देखो अब यहां शुद्धोपयोग का तो नाम ही नहीं जानते, और शुद्धोपयोग देखो सुनो बहुत मरम की बात, सातवें गुणस्थान से ऊपर होता है, ऐसे मानने वाले तप को पहले ही गुणस्थान में करो की प्रेरणा देते हैं। शुद्धोपयोग वास्तविक तप है ना, तो वो तो सातवें स्थान के ऊपर होना चाहिए ना, तो अनुसनाधिक तो शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए किए जाते हैं ना, अब मूल में है ही नहीं तो उसकी वृद्धि काय की होगी, पेड़ ही नहीं है, पौधा ही नहीं है तो सींचेंगे किस बात को है? देखो इसमें लिखा है 233 पेज पर, बहुत क्या इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है, अन्य नाना विशेष वायु साधन की अपेक्षा उपचार किए हैं, उनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा है, इस रहस्य को नहीं जानता तो उसके सच्चे श्रद्धांत निर्जरा तत्व का भी सच्चा श्रद्धांत नहीं है।
और मोक्ष को, मोक्ष को, मोक्ष क्या है, मोक्ष का स्वरूप ही नहीं जानते। वो तो समझते हैं स्वर्ग से अनंत गुणा सुख मोक्ष में है। तो स्वर्ग में कितना सुख है, शास्त्र में तो चारों गतियों में दुख ही दुखों का वर्णन किया ना। तो जब स्वर्ग में जीरो सुख है तो उससे अनंत गुणा का मतलब क्या होगा, अनंत जीरो। और संसार का जो स्वर्ग का सुख है यदि, वो तो विषय के साय वाला है। और मोक्ष में सुख है वो अतीन्द्रिय सुख है, तो इंद्रिय सुख से अतीन्द्रिय सुख की क्या उपमा। तो वो कहता है शास्त्र में तो उदाहरण दिया, तो शास्त्र में तो तेरे को अंदाज लगाने के लिए, तू संसार के सुख का भोगी भी है, उसका तुझे अनुभव भी है, और तू इसीलिए संसार में है कि वो सुख तुझे चाहिए। तो बता रहे कि मोक्ष में इससे अनंत गुणा है, जिससे तेरी बुद्धि यहां से टूट के उधर को लगे। महिमा वाचक शब्द है, जबकि वास्तव में उसकी जाति ही भिन्न है। तो मोक्ष के सुख की जाति नहीं जाने तो समझ लेना कि वो मोक्ष का को नहीं पहचानता है। इस तरह उसके सातों तत्व के बारे में सिद्धांत उसका सही नहीं होता। पेज नंबर 234 के सबसे नीचे की तीन पंक्तियां देखो। इस प्रकार इसके सच्चा तत्व सिद्धांत नहीं है, इसलिए समय सार में कहा है कि अभव्य को तत्व सिद्धांत होने पर भी मिथ्या दर्शन ही रहता है, तथा प्रवचन सार में कहा है कि आत्मज्ञान शून्य तत्वार सिद्धांत कार्यकारी नहीं है। देखो ये क्या, ये सच्चा तत्व सिद्धांत नहीं है। और उदाहरण कौन से दिए, उदाहरण में ये लिखा है कि उसका तत्व सिद्धांत कार्यकारी नहीं है, और यहां कह रहे तत्व सिद्धांत है ही नहीं। तो उसने जो बाहर बाहर से किया है ना, तो कहते आत्मज्ञान के बिना, प्रथम सार में लिखा है कि तत्वार्थ सिद्धांत कार्यकारी नहीं है, माने उसका वास्तव में वो तत्वार्थ सिद्धांत नाम मात्र कहने का है, वास्तविक तत्वार्थ सिद्धांत नहीं है। इस तरह सम्यक दर्शन के बारे में सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप और सात तत्व की श्रद्धा व्यवहाराभासी की कैसे होती है वो बताए। अब ये सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का भी वो पालन करता है अपने हिसाब से, लेकिन उसकी सच्चे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र उसके होते नहीं है। तो सम्यक ज्ञान के नाम पर वो क्या करता है और वो क्यों गलत है, थोड़ी सी चर्चा अब वो इसके बारे में आरंभ करते हैं। देखो एक प्यारा पढ़े जरा, अच्छा है। शास्त्र में सम्यक ज्ञान के अर्थ शास्त्राभ्यास करने को सम्यक ज्ञान होना कहा है, शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है। क्या कहा है कि शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होता है। अब आज का मैं ये पूछता हूं कि शास्त्राभ्यास है ये कौन सा ज्ञान है, कि इंद्रिय ज्ञान है कि अतिंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है क्यों, और शास्त्र में कहा है ना शास्त्राभ्यास करने के लिए, ताते दिन भर कथे तत्व अभ्यास करीजिए। तो ये जो सात तत्व का जो निर्णय होगा वो सात शास्त्राभ्यास माने देशना लब्धि से ही होगा ना। अब आजकल ये बात आने लगी है कि इंद्रिय ज्ञान प्रयोजन भूत नहीं है। अरे प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत का निर्णय तो तत्वों के बारे में होता है, डिवीजन ये प्रयोजन भूत क्या है अप्रयोजन के बारे में होता है, गे प्रयोजन भूत कौन सा है और कौन सा गे प्रयोजन भूत नहीं है, मान किसको जानना उपयोगी है और किसको जानना नहीं उपयोगी है। ये किसको मान गे हुआ ना, ज्ञान में तो प्रयोजन भूत और प्रयोजन भूत का भेद है ही नहीं। लेकिन आज मैंने ऐसा एक वाक्य पढ़ा कि इंद्रिय ज्ञान प्रयोजन भूत नहीं है। पहले तो ऐसा चलता था ना, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। अभी बहुत तर्क और युक्तियों से बात सामने आ गई कि ज्ञान ही नहीं है, ये बात तो जची नहीं, तो उसके लिए नया शब्द निकाला है कि इंद्रिय ज्ञान प्रयोजन भूत नहीं है। तो मैं पूछता हूं कि जीव आदि पदार्थ प्रयोजन भूत है कि नहीं,
उन जीवादि पदार्थों को पहले हमें जानना है, सात पदार्थों को। वो इंद्रिय ज्ञान से जानेंगे या अतिंद्रिय ज्ञान से, वो शास्त्र पढ़ के जानेंगे, गुरु से सुन के जानेंगे, तो गुरु से सुनेंगे तो कान से सुनेंगे, और शास्त्र पढ़ेंगे तो आंख से पढ़ेंगे, तो वो इंद्रिय ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया। और इसका निर्णय करना ये हमारे लिए जरूरी है, प्रयोजनभूत है कि नहीं है, बोलो। अब इसकी बात सामने आएगी तो फिर कोई और नया शब्द खोजेंगे। सरलता से ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि भाई अब ये निकल गया तो निकल गया, समझ है ना। देखो, इंद्रिय ज्ञान से साक्षात आत्मा सीधा पकड़ में नहीं आएगा। जब तक हम इंद्रिय ज्ञान का उपयोग करते रहेंगे, शास्त्र पढ़ते रहेंगे, तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तो अनुभव का अनुभव के लिए वो उपयोगी नहीं है, और उस काल के लिए वो हे है, बस इतनी सी बात है। क्या देखो, अब वो लिखा ना उसमें शास्त्र का अभ्यास करना, इसलिए यह शास्त्राभ्यास में तत्पर रहता है। कौन? जो व्यवहाराभासी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए वहां तो शास्त्राभ्यास में रहता है तो अच्छा काम है। कहते नहीं, वहां क्या करता है देखो, वहां सीखना, सिखाना, याद करना, बांचना, पढ़ना आदि क्रियाओं में उपयोग रमाता है। बस वो समझता है ये मैं करूंगा तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अब वो क्रिया कांड गया, व्रतोपवास वाला, पूजा पाठ वाला, और जो जितनी चर्चा अपन पीछे कर आए ना, व्रत उपवास सब वाला, अब वो क्या है, बस पढ़ने पढ़ाने को। वो अपने को ये पढ़ने पढ़ाने वाले जो थोड़े लोग हैं ना, और वो क्रिया कांड से थोड़े विरक्त हो गए हैं, वे भी कुछ कम नहीं है। वो भी ये समझने लग गए हैं कि मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा। वो भी ऐसी बातें करते हैं कि धर्मात्मा तो जगत में बस हम ही हैं, सारे भारतवर्ष में बस हम ही लोग हैं, जो हैं 200-500 हजार आदमी के जो विद्युत शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, वे ही हैं, बाकी तो सब गड्ढे में ही पड़े हुए हैं। ये बात सत्य हो सकती है कि बाकी गड्ढे में पड़े हों, लेकिन ये भी सत्य है कि तुम भी और हम भी गड्ढे में ही पड़े हैं। देखें क्या लगा, देखो, परंतु प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। अरे ये सब जो स्वाध्याय करने के था वो तो आत्मा के जानने के लिए था। देखो अभी अंदर का एक एक बात खोलने वाले हैं, ये सब सीधी आप लोगों पर हम पर ही लिखी गई बात है। क्या लिखते हैं, पर इस उपदेश में मुझे कार्यकारी क्या है सो अभिप्राय नहीं है। स्वयं शास्त्राभ्यास करके औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है। मैं इसको समझ लूंगा, ऐसा समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा। हम पहली दफे सोनगढ़ गए तो स्वामी जी वहां चलता था, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति संभव, एक प्रकरण चलता था, राम जी भाई पढ़ाते थे। तो मेरे को ऐसा विकल्प आता था वहां कि अपने पूरा का पूरा ऐसा जाकर के अपने गांव में अशोकनगर में ऐसे कैसी क्लास चला के ऐसा पूरा का पूरा बताए। फिर कभी कभी सोचने में 10-5 मिनट उपयोग उसमें ही लग जाता, तो तब तक बहुत सी बातें निकल जाती तो फिर बाद में झंझलाहट होती, ये क्या पागलपन है, ये जो समझाने के विकल्प ने समझने में ही बाधा खड़ी कर दी। क्यों? फिर उस वक्त हमने वहां से लौट के आए तो पूरा प्रकरण वैसा ही का वैसा महीने भर में चलाया, वहां चलता था, राम जी पढ़ाते थे, वैसा पढ़ाया वहां आकर के। तो ये पकड़ लिया टोलरमल जी ने अपन को यहां कि जब जब उसके ज्ञान का अपने आत्मा के कल्याण के लिए तो नहीं, फिर ऐसा समझाऊंगा, फिर ऐसा बताऊंगा। देखो इसे पेन लेके बैठते हैं ना फटाफट, कोई तो तुम्हारे को अन्ना जी ने बैठाया, घबराना नहीं, लेकिन कोई उदाहरण आया तो फटाफट नोट कर लेते हैं। क्यों? मैं ये उदाहरण देके समझाऊंगा, वहां पर वही अभिप्राय ज्यादा काम करता। तुम्हारा पेन चलता है ना, उससे मैं समझ जाता हूं कि तुम्हारी रुचि कहां है, तुमने कौन से पॉइंट पे तुम्हारा डंक चला, कोरे उदाहरण पे चला कि मूल तत्व ज्ञान पे चला, कौन सी बढ़िया बात आई जो तुमने नोट करने के लायक समझी।
कोई जो किताब होती है ना उसके निशान लगे होते हैं ना, उससे मालूम पड़ता है कि किस कौन सी चीज इसको प्रभावित करती है और जिस किस पर जो अपनी कलम चलाता है। तो लिखा ना पंडित जी ने, पकड़ लिया कि संबोधन देने का अभिप्राय रखता है और बहुत से जीव उपदेश माने तो वहां संतुष्ट होता है। 500 आदमी सुनने वाले थे, 200 आदमी थे, इतने थे। ऐसा कैसी गलगलिया अंदर में छूटती है, ऐसे मोक्ष हो गया हो उसका। क्यों जी, 500 नहीं सुनने, 25 सुन रहे होते तो तेरी विद्वत्ता कम हो जाती, तेरा ज्ञान कम हो जाता, तेरे आत्मा के कल्याण में क्या विघ्न हो जाता बोलो। यानी वो तेरे तत्व ज्ञान की बात अधिक लोग सुने तो अधिक संतुष्टि होती है। देखो ये तो माफ के काबिल अपराध है। क्यों है माफ के काबिल अपराध? अपराध तो है कि भाई हरेक आदमी को ये भावना होती है कि जो तत्व ज्ञान मुझे मिला है वो सारा जगत जाने, और इसी में से तो तत्व ज्ञान के प्रचार का रास्ता खुलता है। लेकिन पंडित जी ये कहते हैं कि वहां कदाचित कम श्रोता मिले तो खेद खिन्न होता है, फिर तकलीफ तो ये हो जाती है खड़ी। आगे लगा ना, परंतु ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है और अवसर पाकर पर का भी भला होता हो तो भला पर का भी करे। देखो इस प्रवृत्ति का निषेध तो नहीं किया ना, लेकिन अंदर का चोर पकड़ के और तेरे को चोर निकालने की कोशिश की। उनने ये नहीं कहा कि दूसरों को नहीं समझाए, लेकिन जो तेरे को ये रस है समझाने ही समझाने का रस है, और अधिक लोग समझें तो ज्यादा संतुष्टि होती है और कम लोग समझें तो संतुष्टि नहीं होती है। अरे भाई ये उनके भी पुण्य पाप का योग है ना, ऐसी बढ़िया तत्व की बात सुनना उनके भाग्य में ही नहीं होगा तो तेरे विकल्प से क्या होता है? अकेले मेरे विकल्प से सारा जगह सुनेगा? इतना गंभीर तत्व ज्ञान सुनने की पात्रता उस जीव में भी चाहिए। इसलिए संख्या की कमी का कारण सिर्फ मेरी कमी नहीं है, मुझमें कमी नहीं है, बल्कि वो तो जीवों का स्वरूप, उसमें क्या तेरे को विकल्प आया? तूने कह दिया 25 में सुना बहुत बढ़िया, 50 में सुना बहुत बढ़िया, नहीं सुना तो बढ़िया, तेरे को तो कोई नुकसान उसमें हुआ नहीं। नुकसान हुआ तो जिसे नहीं सुनने वाले का हुआ। देखो तथा कोई उपदेश ना सुने तो मत सुनो, स्वयं क्यों विषाद करे? शास्त्रार्थ का भाव जानकर भला अपना भला करना, शास्त्र का अर्थ समझ के भाव समझ के अपना कल्याण कर लो। कोई नहीं सुनता तो नहीं सुनने दो। तथा शास्त्राभ्यास में कितने ही तो व्याकरण न्याय काव्य आदि शास्त्रों का बहुत अभ्यास करते हैं, परंतु वे तो लोक में पांडित्य प्रकट करने के कारण हैं, उनमें आत्महित का निरूपण तो है नहीं। इनका तो प्रयोजन इतना ही है कि अपनी बुद्धि से बहुत हो तो थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके पश्चात आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना। यदि बुद्धि थोड़ी हो तो आत्महित के साधक सुगम शास्त्रों का अभ्यास करना, अपनी भाषा में लेके छोड़ देना इनको। ऐसा नहीं करना कि व्याकरण आदि का अभ्यास करते करते आयु पूर्ण हो जाए और तत्व ज्ञान की प्राप्ति न हो। फिर इन्होंने पूरी मीमांसा इस बात पर की है कि आप ये कहते हो तो हम व्याकरण पढ़ेंगे ही नहीं, हम न्याय पढ़ेंगे नहीं, यही तो हम कहते थे, ये जबरदस्ती हमारे गले मर दिया है, हम तो पढ़ने नहीं चाहते। तो देखो 236 पेज पे, तथा व्याकरण के बिना शब्द का अर्थ यथावत भाषित नहीं होता और न्याय के बिना लक्षण परीक्षा आदि यथावत नहीं हो सकते। इसलिए वचन द्वारा वस्तु के स्वरूप का निर्णय व्याकरण आदि बिना भली भांति न होता जानकर उनकी आमनाय अनुसार कथन किया। भाषा में भी उनकी थोड़ी बहुत आमनाय आने पर उपदेश हो सकता है, परंतु उनकी बहुत आमनाय भली भांति निर्णय हो सकता है। इसलिए हमने उनको कहा कि भाई इन न्याय व्याकरण का थोड़ा बहुत अभ्यास करो, माने एकांत कहीं नहीं है, और अपने विवेक बुद्धि
और शक्ति और उम्र इन सब पर वो निर्भर करता है। नई उम्र है यदि तो सारी जिंदगी हम न्याय न्याय और व्याकरण और न्याय के शास्त्र के बिना बड़े बड़े आचार्यों की से सीधी बातें ही नहीं कर सके। कुंद कुंद की भाषा को, अमृतचंद की बात को हम सीधी सुने ही समझ नहीं सके। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। साल दो साल व्याकरण में जाते जाने दो, न्याय में जाते जाने दो, तो सारी जिंदगी आनंद लेना। और अब बुढ़ापा आ गया हो, अब स्मृति भी काम करती नहीं है, और अब न्याय व्याकरण में लग जाए, और जब तक अमृतचंद की बात सुनने के लायक होगे तब तक रहोगे कि नहीं रहोगे इसकी गारंटी नहीं है। तो फिर कहते भाषा में जो उपलब्ध है उनसे ही अपना काम चला। तो ये तो हर एक आदमी को अपना अपना निर्णय करना पड़ेगा। उपदेश दाता तो तुम्हारी कम उम्र देखेगा, बुद्धि तीव्र देखेगा, तो यही बताएगा कि तुम न्याय व्याकरण का अभ्यास करके फिर करो। और यदि आपको बुढ़ापा देखेगा और कम समय मिलता है तो ये कहेगा तुम इस चक्कर में मत पड़ो। अब हो सकता है कि आप 60 वर्ष के हो और आपकी बुद्धि बहुत अच्छी हो, दिमाग समय बहुत अच्छा हो और आप कर सकते हो तो करो। वही 24-25 वर्ष का भी है और धंधे पानी में 8-10 घंटे निकल जाते हैं, हैं? आधा घंटा स्वाध्याय को मिलता है तो 25 वर्ष वाले से भी कहेंगे कि तुम न्याय व्याकरण के चक्कर में क्यों पड़ते हो, स्वाध्याय करो। उम्र से कोई मतलब नहीं है। ये तो हमें अपने खासकर जैसे मान लीजिए कि 50 वर्ष के आदमी हैं और ब्रह्मचारी हो गए और घर बार छोड़ के 24 घंटा इसमें लगने लग गए और बुद्धि अच्छी है तो क्यों नहीं पढ़े, 50 वर्ष की उम्र में पढ़े, ख्याल में आए ना। और आप मान लीजिए कि नई उम्र है और घंटा आध घंटा ही निकालना मुश्किल है तो फिर क्यों उसमें खराब करें समय। ये बैलेंस से उन्होंने सब बातें कही। अब वो क्या करते हैं कि उन लोगों की खबर ली थोड़ी कि जो थोड़ा बहुत तो समय मिलता है आत्मा के कल्याण के लिए तो उनमें प्रयोजन भूत अध्यात्म शास्त्र तो पढ़ते नहीं, या तो न्याय व्याकरण में समय खराब करते हैं, या कहानी के समय समय खराब करते हैं, या करुणानियोग में उलझ के रह जाते हैं, या करुणानियोग के ग्रंथों के पढ़ने में जिंदगी खराब करते हैं। तो उनकी खबर थोड़ी सी ली है उन्होंने। देखो पेज नंबर 36 पर नीचे सबसे नीचे का पैरा, कितने ही जीव पुण्य पापादिक फल के निरूपित पुराणादि शास्त्रों का, देखो क्या परिभाषा दी है। पुराण माने क्या, पुण्य पाप के फल को बताने वाले शास्त्र हैं पुराण, और पुण्य पाप की क्रिया के निरूपक आचारादि शास्त्रों का। ये आचारादि शास्त्र धर्म की क्रिया नहीं बताते, पुण्य पाप की क्रिया बताते हैं बस। एक क्रिया करने से पाप होता है, एक क्रिया करने से पुण्य होता है। लिखा देखो आपकी किताब में पुण्य पाप के निरूपक आचारादि शास्त्र और पुण्य पाप का फल के निरूपक पुराणादि शास्त्र, और गुणस्थान मारणा और कर्म प्रकृति त्रिलोक आदि के निरूपक करणानियोग के शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। परंतु यदि आपका इनका प्रयोजन नहीं बिताते तब तो तोते जैसा ही पढ़ना हुआ कि क्यों लिखे शास्त्र में ये। और यदि इनका प्रयोजन बिताते हैं तो हम पाप को बुरा जानना, पुण्य को भला जानना, गुणस्थान आदि का स्वरूप जान लेना और इतना अभ्यास करेंगे तो हमारा भला है इत्यादि प्रयोजन का विचार किया तो इससे इतना तो होगा कि नरकादिक नहीं होगा, स्वर्गादिक होंगे, लेकिन मोक्ष मार्ग की प्राप्ति तो होगी। कितना साफ लिखा है, बोलो। इनसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी, पुण्य पाप से छूट जाएंगे, पुण्य में लग जाएंगे। जितनी जितनी उन पुराणों को पढ़ो तो उसमें बीच बीच में लिखा था, हे जीवो इसलिए पुण्य को जानकर पुण्य का निरंतर सेवन करो, फलाना राजा ने पुण्य किया था, उसने स्वर्ग में गया फिर ऐसा हुआ, फिर चक्रवर्ती हुआ फिर ऐसा हुआ, इसलिए पुण्य का सेवन करो, ऐसा खूब खूब लिखा है? तो फिर क्या करें। तो देखो तो प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, क्रम तो यह है शास्त्रों के पढ़ने का, फिर पुण्य पाप के फल को संसार जाने और शुद्धोपयोग से मोक्ष माने और गुणस्थान आदि जीव का व्यवहार निरूपण जाने इत्यादि ज्यों का त्यों सिद्धांत करता हुआ इनका अभ्यास करे तो सम्यक ज्ञान हो। ये समझे कि मैं पुराण पढ़ रहा हूं, इसमें तो पाप से हटाकर पुण्य में लगाने की बात ही आएगी, तो पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं।
सो तत्व ज्ञान के कारण तो अध्यात्म रूप द्रव्याणि योग के शास्त्र हैं। कितना साफ लिखा, और कितने ही जीव उन शास्त्रों का भी अभ्यास करते हैं, वे भी गलती में रहते हैं, वे क्या गलती करते हैं। परंतु वह जैसा लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके आपको आपरूप, पर को परूप, आश्रवादिक को आश्रवाद रूप सिद्धांत नहीं करते। मुख से तो यथावत निरूपण ऐसा करें कि जिसके उपदेश से अन्य जीव सम्मय दृष्टि हो जाए। देखो कितनी कह गया, देखो इतना सच्चा आगम के आधार पर द्रव्यलिंगी मुनि को ऐसा निरूपण करते होंगे। एक एक शब्द की गलती कोई नहीं निकाल सकता, कोई भावलिंगी उनके रूपण में एक शब्द की गलती नहीं निकाल सकता। कि दूसरों को सम्मेषण हो जाए, अब वो लोग कहते हैं ना कि नहीं होती देश न लब्धि, और दूसरों को हो जाए लिखा कि नहीं लिखा, बहुत कम होता है। लेकिन वो हुआ है तो उसके उपदेश से नहीं हुआ है, वो उपदेश तो आगम का है। हमको ये डर लगता है कि अज्ञानी से कैसे, अज्ञानी से कहां होगा, उसने तो बुद्ध टेप रिकॉर्डर जैसा है, समझे ना। वही दिव्य ध्वनि श्री भगवान की तो तुम्हारे कानों में तो यंत्रों के माध्यम से आई, गुरुदेव का प्रवचन हुआ तो तुम्हारे कान में तो स्पीकर के ही माध्यम से आई ना, तो टेप चला दो तो भी वो स्पीकर के माध्यम से तुम्हारे कान में वो आता नहीं है। तो मैं पूछता हूं कि मिथ्या दृष्टि सम्मय दृष्टि तो जाने दो, टेप से देशना लब्धि हो सकती है कि नहीं, जरा सोच मैं। गुरुदेव की टेप अपन को उपलब्ध है ना, इसलिए कह रहा हूं। कोई विकल्प हो ना, विज्ञानी का में समागम नहीं है तो टेप से हो सकती है कि नहीं, कि नहीं साहब टेप से तो नहीं हो सकती, बस सामने गुरुदेव होना चाहिए तो ही होगी है, तो उन्हीं की वाणी है ना, और सामने गुरुदेव होते तो भी स्पीकर के माध्यम से तुम्हारे पास आती ना। तो मुख्यता तो साक्षात सुनने की है, क्योंकि वो हाव भाव और सब बातें से भी पाती है। लेकिन उपलब्ध नहीं हो तो नहीं ही होगा, तो इससे तो बीज ही समाप्त हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है लगा ना। पर यथावत निरूपण करा कि उसके उपदेश से अन्य जीव सम्मय दृष्टि हो जाए, वो मिथ्या दृष्टि रहे, क्योंकि भाषा में तो वही शब्द आए जिनका अभिप्राय सही था, और सामने वाले ने पकड़ लिया और खुद ने नहीं पकड़ पाया उनका अभिप्राय, कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनने उदाहरण दिया कि कोई बालक स्त्री का स्वांग बनाकर नाचे, 10 वर्ष का बालक हो तो कोई वो तो समझता नहीं है। अब उसकी जो ट्रेनिंग देने वाले ने उसे सब नाचने में ऐसे हाव भाव सिखा दिए, जिससे कि दूसरों को श्रृंगार रस के सिखा दिए, काम भावना की उत्तेजना हो जाए, वो तो कुछ समझता नहीं। वैसे वैसे हाथ दर्द मटकाता है, वैसे आंखें मटकाता है, वैसे अंगों को हिलाता दुलाता है, ऐसे कपड़े पहन लिए हैं, तो कहते दूसरे कामुक हो जाए लेकिन उसको कुछ नहीं होता। ऐसे ही ये है कि जिनवाणी पढ़कर इतनी बढ़िया शब्दों में बोले कि दूसरों को सम्मान दर्शन हो जाए, पर ये वैसे ही का वैसा रह जाता है। ये व्यवहाराभासी की सम्यक ज्ञान की आराधना करने वालों की स्थिति बता रहे हैं। देखो इसमें लिखा है, इस प्रकार यह 11 अंग पढ़े तथापि सिद्धि नहीं होती, सो ही समय सारादि में मिथ्या दृष्टि को 11 अंगों का ज्ञान होना लिखा है ना। सबसे नीचे लिखा ना, परंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इस प्रकार स्वयं को परद्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य अनुभव नहीं करता, इसलिए आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। इस प्रकार यह सम्यक ज्ञान के अर्थ जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है तथापि सम्यक ज्ञान नहीं है। ये तो सम्यक ज्ञान ही निपटा, अभी सम्यक चरित्र का बाकी है, देखो कल चलेंगे क्या होता है।